हीरा ठाकुर की जहरीली खीर वाली फिल्म सूर्यवंशम आखिर क्यों बार बार सेटमैक्स पर दिखा दिखा कर लोगों को पागल बनाया जाता है, आइए जानते हैं। सूर्यवंशम 21 मई 1999 को रिलीज हुई थी। जब फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त तो सुपर फ्लॉप हुई थी, मगर जब से मैक्स वालों ने दिखाना चालू किया तो फिल्म सुपर हिट हो गई। 1999 में सूर्यवंशम रिलीज हुई थी और इसी साल सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च हुआ था और मैक्स चैनल ने सबसे पहले सूर्यवंशम की राइट 100 सालों के लिए खरीदी थी। यही वजह है कि मैक्स चैनल पर बार बार सूर्यवंशम दिखाया जाता है। सूर्यवंशम तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है। बात करें फिल्म की हीरोइन की तो सौंदर्या रघु अब इस दुनिया में नहीं रही। 17 अप्रैल 2004 को प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। सौंदर्या को हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आता था, इसीलिए फिल्म में उनकी आवाज को रेखा ने डब किया था। रेखा को जब डबिंग का ऑफर हुआ तो अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही खुशी से पागल हो गई और डबिंग के लिए तैयार हो गई। तैयार कैसे नहीं होती, आखिर अमिताभ बच्चन उनके प्यार जो ठहरे हैं, प्यार के लिए तो इतना करना ही पड़ता है।